चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज, इस हफ्ते की आखिरी टेक न्यूज, बट इट इज जबरदस्त बॉम्बास्टिक है दोस्तों आज की खबरें। वैसे पहली खबर जो है दोस्तों व्हाट्सएप की है, एंड आप लोगों में से बहुत सारे लोग खुश होने वाले हैं ये सुन के। बहुत बार क्या होता है पता है, ये लास्ट सीन जो होता है आपका जो स्टेटस होता है ना वो लोगों को दिखता है और वो आपको नहीं चाहिए। अब दोस्तों नया फीचर जो आ रहा है उसके हिसाब से व्हाट्सएप ये फीचर लाने वाला है जहां पे आप हाइड कर पाओगे लास्ट सीन स्टेटस। यस, अभी बीटा टेस्टिंग चालू है, कुछ लोगों को ही ये रिलीज हुआ है वो टेस्ट कर रहे हैं, बट बहुत ही जल्दी आपके व्हाट्सएप में आने वाला है। या इसका मतलब आपको अगर किसी को नहीं बताना है कि आप व्हाट्सएप पे हो, यू कैन वेरी इजीली डू दैट। वाओ, That's a big news, big news। दोस्तों बात करते हैं पोल के बारे में। हमने पूछा था क्या आप वाईफाई कॉलिंग यूज करते हो, 27% यस एंड 73% नो। ये वाईफाई कॉलिंग आप इस्तेमाल नहीं करते हो, मैं एक बात बोलूं, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है कि आप वाईफाई कॉलिंग इस्तेमाल कर रहे हो, बाय डिफॉल्ट होता है वो, सो दैट परसेंटेज मेरे हिसाब से तो गलत है। या दैट्स व्हाट इट इज। ऑलराइट, WTF न्यूज ऑफ द डे, ये 10 साल पहले हुआ था दोस्तों, लेकिन अभी एलोन मस्क ने जब उसके बारे में उसको रिस्पॉन्ड कर दिया तो आ गया, एकदम वायरल हो गया। मनीष सेठी सेठी नाम के एक सैन फ्रांसिस्को में ब्लॉगर रहते हैं, उन्होंने वीडियो किया था कि जब भी मैं फेसबुक पे होता हूँ तो एक लड़की को उन्होंने हायर किया स्लैप करने के लिए ताकि वो फेसबुक से हट जाए और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। आई मीन सीरियसली, ये 10 साल पुराना वीडियो मैंने देखा है यूट्यूब के ऊपर, एंड लेकिन एलोन मस्क फिर से आए हो तो एलोन मस्क खुश हो गए थे उसे देख के, तो वायरल हो गई है WTF। और ऐसी खबरें हमेशा हम सुनते हैं कि भाई कितना ज़्यादा अच्छा है आईफोन का बिल्ड, आईफोन की जो बिल्ड क्वालिटी है वो। अब दोस्तों एक पायलट है जिनका फ़ोन वो उड़ा रहे थे एंड टेक ऑफ कर रहे थे उनका छोटा प्लेन, और उनके हाथ से आईफोन गिर गया नीचे, 50-60 माइल्स पर आर की स्पीड से जा रहे थे, और जब बाद में उतर के उन्होंने देखा कि भाई कुछ आईफोन को हुआ है, कुछ नहीं हुआ था। इट्स गुड, इट्स गुड, बिल्ड क्वालिटी टैंक के जैसी है, जी हाँ, हाथ में लेते हो तो पता चलता है, इट इज गुड। या वैसे दोस्तों आईफोन के बारे में बात कर रहा हूँ तो बता दूँ, परसों मैंने बताया था आपको कि ईबे पे एक टाइप सी वाला आईफोन जो है वो डाला हुआ था, कंसेप्ट था, $86,000 को बेचा। जी हाँ, जो फाइनल बिड थी वो $86,000 की थी, किसी ने खरीदा यूएसबी टाइप सी वाला आईफोन। वाह। और एक खबर पढ़ के मुझे आज इतनी हंसी आई दोस्तों, एक पेटेंट आया है एप्पल के, एप्पल ने ये पेटेंट किया हुआ है, और ये पेटेंट ये कहता है कि आपको जो भी कंटेंट देखना है ना वो स्पेशल ग्लासेस के साथ ही आप देख पाओगे। जी हाँ, मतलब टोटल प्राइवेसी, लोगों को पता नहीं चलेगा आप क्या देख रहे हो, लेकिन जब आप ग्लासेस डालोगे तो आपको वो कंटेंट बराबर से दिखेगा। सोचिए, आई मीन किस हद तक लोग जाते हैं प्राइवेसी के लिए, एंड एप्पल ने ऑलरेडी ये पेटेंट भी कर दिया है। क्या लगता है इसके बारे में, आपने चश्मा डाला, पढ़ लिया, चश्मा निकाला, कुछ नहीं दिखेगा उसके ऊपर। वाओ वाओ, ऐसे टेक न्यूज अच्छी लगती है ना दोस्तों, लाइक करके जरूर बताइएगा, जी हाँ सब्सक्राइब कीजिए, हर रोज लाते हैं आपके लिए अगर नहीं है तो। चलिए स्मार्टफोन मार्केट शेयर के बारे में बात करते हैं दोस्तों। शाओमी स्टिल लीड्स इंडियन स्मार्टफोन शिपमेंट्स, जी हाँ नंबर वन पे है शाओमी, मार्केट शेयर उनका 23.40% है, इसका मतलब चार में से एक फोन शाओमी के हैं, दैट इज रियली बिग। एंड सैमसंग देखोगे तो 16.90% उनका मार्केट शेयर है, इसका मतलब दोस्तों पिछले दो तीन साल में शाओमी ने सही में लीड बढ़ा दी है। बट सरप्राइजिंगली वीवो 16.4% है, मतलब सैमसंग के बहुत करीब आ रहा है, जब नेक्स्ट रिपोर्ट आ जाएगा शायद वीवो भी ऊपर आ जाए, रियलमी 15.70। वाओ, I'm really surprised. Samsung needs to do something really drastic. और लगता है ये अगली खबर सुनोगे तो पता चलेगा कुछ drastic ही करने वाला है Samsung. Samsung ने कहा है, मतलब वो plan करते हैं कि अगले साल 2022 में 334 million जो smartphones हैं वो ship करने वाले हैं, even chip shortage होने के बावजूद. This is really big. और Samsung दोस्तों produce करने वाला है 54 million units उनके flagship phones का, S series जो है, और foldable phones के कुछ 13 million units produce करने वाला है. So yeah, something drastic is needed for Samsung. दोस्तों आपको तो पता है कि कलर ओएस, ऑक्सीजन यूआई वगैरह पीछे से इंटीग्रेट हो गया, एक ही सिंगल यूआई हो गया, अब ऐसे लग रहा है कि आगे भी वो इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्यों पता है? OnePlus 10 जो है, खबर आई है, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, OnePlus 10 जो है आइडेंटिकल दिखने वाला है ओप्पो रेनो 7 प्रो जैसे, आगे की तरफ से, पीछे थोड़ा चेंज होगा लेकिन आगे की तरफ से एग्जैक्टली सेम दिखने वाला है, वही 6.5 इंच की फुल HD+ OLED स्क्रीन आने वाली
ये 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है जो एग्जैक्टली OnePlus 7 Pro में होने वाला है, ऐसे खबर थी। और याद रखिए OnePlus 7 सीरीज जो है दिसंबर एंड जैन में लॉन्च होने वाली है, सो वील कम टू नो व्हाट OnePlus 10 इज एट दैट टाइम इटसेल्फ। दोस्तों ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि क्वालकॉम का जो टेक समिट है जहां पे वो 898 चिपसेट वगैरह लॉन्च करेंगे वो नवंबर 30th से लेकर दिसंबर तक है। अब ऐसे कहा जा रहा है कि जैसे ही वो टेक समिट खत्म हो जाएगा Xiaomi 12 लॉन्च होने वाला है। इनफैक्ट शायद अनाउंसमेंट जो है पिछले बार जैसे किया था वैसे इस टाइम Xiaomi 12 का अनाउंसमेंट वो क्वालकॉम टेक समिट में ही करे, आई एम नॉट श्योर। अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो FHD+120Hz एमोलेड स्क्रीन है इसके अंदर, एंड 12 अल्ट्रा के बारे में बात करूं तो उसमें 2K+ स्क्रीन है विच इज अगेन एमोलेड एंड विद फास्ट रिफ्रेश रेट। सो या इन दिस मंथ Xiaomi 12 इज कमिंग। ऐप ऑफ द डे ब्रिक डम पजल गेम है। अगर पजल अच्छे लगते हैं आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। ये पजल गेम प्लस ब्रेन टीजर ऐसा कंबाइन करके एक गेम बनाया हुआ है, अच्छा है आपको आपके दिमाग को तेज करने के लिए, जरूर जाके देखिएगा, लिंक दे रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में। इंपॉर्टेंट, कल 11:15 मार्क योर कैलेंडर्स, आस्क करुण आ रहा है, जबरदस्त क्या मजा आया मुझे करने में दोस्तों, ऐसे ऐसे सवाल लिए ना, यू शुड नॉट मिस इट, मार्क योर कैलेंडर टुमारो संडे 10:45 AM। वैसे दोस्तों अब मीडिया टेक और जियो ने पार्टनरशिप कर दी है, वो लॉन्च करने वाले गेमिंग मास्टर्स 2.0। ये BGMI की एक टूर्नामेंट है जो बेसिकली स्पॉन्सर की है जियो और मीडिया टेक ने, और प्राइस कुछ 12.5 लाख रुपए का प्राइस है। नवंबर 23 से चालू होने वाला ये टूर्नामेंट एंड इट विल गो अप टू जैन 10th। जी हाँ, लोगों को रजिस्टर करना होगा play.geogames.com के ऊपर जाके, लिंक दे रहा हूँ वैसे play.geogames.com पे जाइए और रजिस्टर कीजिए, यू विल बी एबल टू पार्टिसिपेट। दिस इज बिग न्यूज। जी हाँ, 30th November को Redmi Note 11T 5G इंडिया में लॉन्च हो रहा है, Redmi Note 11T 5G। जी हाँ, ये Dimensity 810 प्रोसेसर पे आने वाला है, 50 मेगापिक्सल कैमरा, 6.6 इंच की FHD+ स्क्रीन, 90 हर्ट्ज डिस्प्ले, 5000 mAh की बैटरी एंड 8128 का वेरिएंट होगा और नीचे शायद 6128 का भी होने वाला है। याद रखिए दिस इज गोइंग टू बी रीब्रांडेड नोट 11। जो चाइना में नोट 11 था वो ग्लोबली पोको M4 Pro 5G के नाम से आया, इंडिया में वो आने वाला है Redmi Note 11T 5G के नाम से, एक ही फोन के तीन नाम। ऑलराइट, रियलमी के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने दोस्तों कहा है कि रियलमी का फ्लैगशिप रियलमी अल्ट्रा फ्लैगशिप फोन आने वाला है। जी हाँ, बेसिकली वो 60,000 के ऊपर मतलब अल्ट्रा प्रीमियम फ्लैगशिप जो होते हैं उनके साथ कम्पीट करने वाला है, मतलब सैमसंग के जो एस सीरीज है आईफोन वगैरह उनके साथ कम्पीट करने वाला है। उसकी प्राइस USD 800 के करीब या उसके ऊपर होने वाली है। सो यार, रियलमी सिर्फ बजट मिड रेंज हायर प्रीमियम नहीं, सुपर प्रीमियम फ्लैगशिप प्रीमियम लेवल में भी जा रहा है। अब उधर क्या करता है देखेंगे, लेट्स वेट एंड वॉच। चलिए दोस्तों, आज की हमारी ट्रैकिंग टेक न्यूज एपिसोड नंबर 1195 होती है खत्म इधर ही। इफ यू लाइक्ड इट, आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब नहीं होकर शेयरिंग करना आपके हाथ में, रिमाइंड करना मेरे हाथ में। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।